हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम 10th का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे, किसका? तो द्विघात समीकरण का। आज आइए हम उसी से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज जो जानते हैं वो है द्विघात समीकरण, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात 2 हो, उसको क्या कहते हैं हम? द्विघात समीकरण। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? तो द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हो गया आपका 3x² + 7x + 9 = 0, या दूसरा ले सकते हैं आप 7x² + 11 = 0, या हम लोग ले सकते हैं ऐसा भी 3/2x² + x + 1 = 0। तो ये जितना भी एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसका है? तो द्विघात समीकरण का। अब द्विघात समीकरण में एक मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए, एक सेकेंड, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप किसको कहते हैं? देखिए, यहां कहता है कि ऐसा ax² + bx + c = 0। ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0 हो तो इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई आप समीकरण लिखते हैं ax² + bx + c = 0, यानी अगर हम ax² + bx + c = 0 लिखते हैं, इसमें यह फिक्स है कि कभी भी a 0 होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा, और जैसे ही आपका a 0 होगा, x² का टर्म समाप्त हो जाएगा, और अगर x² का टर्म समाप्त हुआ तो आपके पास द्विघात बचेगा ही नहीं, तब वह कितने घात का हो जाएगा? तो एक घात का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि द्विघात समीकरण में जो x² का गुणांक होगा, यानी चर का जो वर्ग है उसका जो गुणांक रहेगा, वह कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। यानी द्विघात का मानक रूप होता है, क्या होता है? तो ax² + bx + c = 0। अगर याद होगा आपको, तो आप सभी को जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का मानक सूत्र होता था कितना? तो ax² + bx + c, कंडीशन यहां भी था a ≠ 0। ठीक है, लेकिन यहां पर द्विघात समीकरण में क्या होता है? तो द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 को माना जाता है मानक रूप। अब द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए,
इसके प्रकार द्विघात समीकरण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टाइप का होता है, पहले को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरे बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है मेरा वह है शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है कि ऐसा द्विघात समीकरण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें x का गुणा 0, यानी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा ए 0 के बराबर नहीं हो लेकिन बी क्या हो मेरा 0 हो, तो ऐसे समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें x का जो गुणांक हो, चाहे वह x के रूप में अगर होगा तो x का गुणांक 0 होगा, अगर y के फॉर्म में है तो y वाला 0 होगा, यानी जिसमें एक घात यानी x पावर 1 हो, चाहे y पावर 1 हो, चाहे z पावर 1 हो, यानी एक घात का जो गुणांक हो वह 0 हो, तब ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, आप लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, आप लिखते हैं माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2 इक्वल टू 0, आप लिखते हैं 25x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये जितना भी देख रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, इसमें x का नहीं है, इसमें क्यों, क्योंकि x का गुणांक क्या है इसमें, तो 0 है। यानी ऐसे जितने भी समीकरण दिख रहे हैं आपको, इन सभी समीकरणों को हम क्या कहते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण। यानी ऐसा समीकरण, सॉरी, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें कि एक घात वाले का गुणांक क्या हो, 0। जैसे मान लीजिए यदि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान के चलते इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तब हम ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा कौन है, तो मिश्रित है। देखिए, दूसरा हम लिखते हैं, ये तो शुद्ध वाला हो गया ना, दूसरा देखिए इसको मिटाते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण, मिक्स मत समझिए, इसका इंग्लिश थोड़ा दूसरा है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, तो कहता है ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें एक घात का गुणांक शून्य नहीं हो, उसमें शून्य हो किसमें, प्योर में,
और इसमें शून्य नहीं हूं, यानी इसमें x का गुणांक चाहे y का गुणांक चाहे z का गुणांक हो तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही देख पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, और यदि बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ऐसे द्विघात समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी इसमें x का कोफिशिएंट जीरो होना नहीं चाहिए, उसमें होना चाहिए किसमें, प्योर में। देखिए क्या लेंगे इसका एग्जांपल, हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, आप लीजिएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जितना भी एग्जांपल देख रहे हैं ना आपके सामने जो भी रखे हैं वो देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट 6 है 0 नहीं है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना 7 है। तो यही कहता है कि ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें एक घात वाला का जो गुणांक, एक घात का जो गुणांक हो वो शून्य नहीं हो। तो चलिए हम आज देखे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें LHSR से दोनों तरफ से, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 हो, उसको क्या कहते हैं हम, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, लेकिन इसमें एक कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य होना नहीं चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, पहला को हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसमें एक्स का गुणांक वह शून्य हो, x का गुणांक जीरो के बराबर हो, तो ऐसे द्विघात समीकरण को हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक है मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें x का गुणांक कभी जीरो होना नहीं चाहिए। x स्क्वायर का तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर x स्क्वायर का हो जाएगा जीरो के बराबर तो द्विघात रहेगा ही नहीं, तो x स्क्वायर का तो नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही साथ x का भी नहीं होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं इसे समीकरण को, कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए ये आपका एग्जांपल। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बता रहे समीकरण का मूल, ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको समीकरण का मूल बताते हैं। तो देखिए समीकरण का मूल रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए ध्यान दीजिए, यहां समीकरण का मूल भी हो सकता है टॉपिक या समीकरण के मूल, लेकिन वहां पे जैसे लिखे ना रूट ऑफ इक्वेशन, यहां रूट्स भी हो सकता है, यानी मूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम सिंपल रखें। अब है मूल कहते हैं किसको है? तो कहता है चढ़ या छोड़ो का है समान, ऐसा क्यों बोले, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ चढ़ के कितना, एक ना, तो यहाँ होगा मूल, सॉरी यहाँ होगा चढ़, यानी एक है, लेकिन अगर हम यही लिख देते x प्लस वाई प्लस 5 7 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, मैं ऐसा बोलता हूँ आपको, तो उस समय क्या होगा मेरे पास चढ़ो हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया। तो ये कहता है कि समीकरण का मूल हम आपको समझा रहे हैं, बाद में लिखाएंगे आपको, पहले समझिए कि चर या चरों का, यानी एक हो एक से ज्यादा हो, तो चर या चरों का एक ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम उसका मूल। ध्यान दीजिए फिर से बोलते हैं हम आपको,
चर या चरों का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे हम समीकरण का मूल कहते हैं। अब संतुष्ट होने का अर्थ क्या है कि अगर हम चर के वैल्यू को रखें तो LHS RHS दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप उसको सेटिस्फाई मानिएगा, और जैसे वो संतुष्ट होगा इसका मतलब है कि चर का वह मान जो है वह उस समीकरण का मूल कहलाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो मूल नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं हम आपको कि यदि चर के मान से समीकरण संतुष्ट हो जाए तब हम चर के मान को समीकरण का मूल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए चर या चरों का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट, ब्रैकेट में लिखते हैं हम यहां पे LHS बराबर RHS, ठीक है, जो समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे समीकरण का मूल कहते हैं। यानी जो समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा उसको हम क्या कहेंगे, समीकरण का मूल कहेंगे। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लिख दें x प्लस 1 इक्वल्स टू 8, ठीक है, तो यदि हम यहां पर पुट करें यानी रखें कितना x का वैल्यू 7 रखें, ठीक है, तो क्या होगा LHS में, जरा देखिए, तो x प्लस 1 या हम इक्वेशन को लिख चलते हैं। ठीक है, आइए ना देखिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 8, अभी आप क्या बोले x का वैल्यू क्या रखना आपको 7, तो रखिए यानी और x करेगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहां आपका हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8, तो क्या देखें LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल्स टू 8 जो है इसका मूल कौन है, तो 7 है। फिर ध्यान दीजिएगा अगर हम लिखे x प्लस y इक्वल्स टू 8, ठीक है, और हम पुट करें इसमें कि पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7, अगर हम इसमें x का मान 1 और y का मान 7 रखें, या आपसे कोई पूछेगा इससे क्या x बराबर 1 और y बराबर 7 इस समीकरण का मूल है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि क्या x बराबर 1 और y बराबर 7 इस समीकरण का मूल है, तो क्या कीजिएगा, फिर इक्वेशन लिख चलेंगे हम लोग। देखिए ना x प्लस y इज इक्वल टू 8, इसमें x का वैल्यू रखेंगे 1, y का वैल्यू रखेंगे 7 इक्वल टू 8, और 8 इक्वल टू 8, हम क्या देखें LHS जो है मेरा वह RHS के बराबर है। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 7 इस समीकरण का मूल है। ठीक है, इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, एक सवाल और ले सकते हैं, जैसे देखिए हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, देखिए सवाल है ना, एक हम आपको दिखाते हैं सवाल। तो पहला है आपका कि x इक्वल टू 3/2, ध्यान दीजिएगा एक सवाल है आपका x इक्वल टू 3/2, ठीक है, और इक्वेशन है 6x² - x - 12 = 0, इसका हल है या नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू 3/2 इस समीकरण का हल है या नहीं है, तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले थे आपको, यहाँ वैल्यू रखिए तो 6 जहां x है वहां रखाएगा वैल्यू, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा बदलता कौन है, केवल वेरिएबल, तो जहां भी चर है वहां रखिएगा, तो x 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 × 9/4 माइनस 3/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बताइए कैंसिल होगा ना आपका, देखिए तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो यहाँ क्या होगा 3 ना, देखिए समझिएगा फिर से, 2 × 3 = 6, 3 × 3 आएगा कट के, और यहाँ 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, 9 × 3 = 27/2 होगा ना, तो 9 × 3 = 27/2 और माइनस 3/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये चेक करना आपको कि ये उसका मूल होगा या नहीं, तो मूल कब होगा जब LHS RHS के इक्वल हो, तो अगर आप LCM बनाइएगा इसका, LCM कितना होगा 2, तो 27 माइनस 3, और गौर कीजिए जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 ना,
तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू 0। इसको हम फिर से लिख देते हैं। अब हम क्या करें उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो होता है या नहीं। ऐसे देखिए आई तो फिर बढ़ाई आगे और 27 माइनस 27 बाय 2 इक्वल्स टू 0 और 0 इक्वल्स टू 0। क्या देखिए कि x बराबर 3 बाय 2 जो है ना इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देता है, संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का अर्थ क्या हुआ कि LHS RHS के बराबर कर देता है। और अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि दिया गया जो मान है यानी जो x का वैल्यू है वह दिए गए समीकरण का मूल है। अब हम आपको बता रहे हैं यहां पे द्विघात समीकरण का मूल। देखिए उससे पहले हम चलते हैं मूलों की संख्या पे, मूलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। कहता है कि जिस किसी भी समीकरण में यानी कोई भी समीकरण जितने घात का समीकरण हो उसके मूलों की संख्या भी उतनी होगी। मतलब यदि एक घात का समीकरण है तो उसके एक मूल होंगे, लेकिन हाँ एक चर में समीकरण होना चाहिए, चर समीकरण में दो चर नहीं होना चाहिए, समीकरण में चरणों की संख्या एक होनी चाहिए। अगर x में है समीकरण तो x में रहेगा, y में है तो y में रहेगा। यानी एक चर वाले समीकरण में जितना समीकरण का घात होगा उसके मूलों की संख्या भी उतनी होगी। अगर समीकरण का घात एक है उसके मूलों की संख्या एक होगी, यदि समीकरण का घात दो है तो उसके मूलों की संख्या दो होगी, यदि समीकरण का घात तीन है तो मूलों की संख्या तीन होगी, अगर समीकरण घात चार है तो मूलों की संख्या चार होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे x प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, तो मूल कितना होगा इसका, मूल की संख्या ए। अगर रहेगा x स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो तो मूल की संख्या कितनी, दो। अगर आपका रहेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो मूलों की संख्या कितनी होगी, तीन। यानी समीकरण का जितना घात रहेगा उसके मूलों की संख्या उतनी रहेगी। आइए हम चलते हैं द्विघात समीकरण के मूल में। देखिए द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल। तो बताइए द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होगी, दो ना, हाँ। यानी चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा उसको क्या कहेंगे हम, तो द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। सेम डेफिनेशन, देखिए चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। यानी जो सेटिस्फाई करेगा वही द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, तो मूल कहेगा। आप देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो।
यानी हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक रूप जो होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन वहां पर ये जीरो होना नहीं चाहिए, यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण का मूल शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। अब बताइए इस समीकरण में घात दो है तो मूलों की संख्या कितनी होगी? दो ना। तो ऐसा किया जाता है, मान लिया जाता है कि अल्फा एवं बीटा, कौन कौन? अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण का मूल है माना गया है। ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म माना हुआ नहीं है, वैसे मूल भी मान लिया गया है। अल्फा एवं बीटा इसके मूल है। अब सोचने वाली बात यह है कि मूल कहते किसको है? तो मूल वह होता है जो समीकरण को सेटिस्फाई करे। तो अगर इसके आधार पर हम देखें और हम x की जगह अल्फा रखें तो क्या होना चाहिए? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू जीरो। और अगर मेरा जो होना चाहिए LHS RHS क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल। अगर सेटिस्फाई हो तो ये जरूर कि LHS RHS के बराबर होगा। और अगर बीटा रखेंगे तो क्या होगा? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यानी यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का दो मूल अल्फा और बीटा हो तो मूल के परिभाषा के हिसाब से अल्फा पर भी अल्फा ऑफ एक्स के मान अल्फा पर समीकरण सेटिस्फाई होगा और उसी प्रकार वाई एक्स के मान बीटा पर भी समीकरण क्या होगा? तो सेटिस्फाई होगा यानी संतुष्ट होगा, ठीक है। तो अब आइए हम आपको द्विघात समीकरण के मूल पर कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं। और हम अब आ गए एक्सरसाइज 4.2 में, जहां आप लोगों को घर से सॉल्व करना है। कितना तक? तो 13 तक, यानी 13 तक आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, हम डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से बता रहे हैं आपको। तो उसमें आप द्विघात समीकरण चैप्टर से एक्सरसाइज 4.2 हम कल बता चुके थे, 4.2 मैं आप सॉल्व कीजिएगा। कितना तक? तो 13 तक, 13 तक, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान दीजिए, पहला सवाल लेते हैं, वो क्या है देखते हैं। तो हम पहला सवाल लेके चल रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है देखिए, पहला सवाल है कि ज्ञात करें कि x इक्वल्स टू 3/2 एवं, यानी x का मान 3/2 और x इक्वल टू -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 = 0 के हल या मूल भी बोलेगा है या नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल देखिए गौर से, सवाल है कि ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 = 0 के हल, हल की जगह मूल भी लिख सकता है, हल है या नहीं है, ठीक है। ये आपको चेक करके बताना है। अब बताइए ये मूल है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम समीकरण में रखेंगे, और रखने के बाद यदि मेरा LHS RHS के बराबर हो जाए, या अगर RHS में रखने योग्य रहेगा तो RHS LHS के बराबर हो जाए, तब हम उस वैल्यू को उस समीकरण का मूल कहेंगे। आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 3/2 और दूसरा कौन हो गया? -4/3। द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात समीकरण है वह है 6x² - x - 12 = 0। ये मेरा द्विघात समीकरण है। अब हमें ये चेक करना है ना
यह हल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, देखिए पुट यानी रखते हैं हम लोग x इक्वल टू 3/2। ध्यान दीजिएगा वैल्यू केवल वेरिएबल का बदलता है, इसीलिए इस टर्म में जहां जहां वेरिएबल यानी जहां जहां चर राशि है आप वहीं पर x का वैल्यू रखिएगा, इन्हें कांस्टेंट को भी ला दीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट जैसे उसको वैसे रहने दीजिए। देखिए तो पहले लिखे इक्वेशन 6x² - x - 12 = 0। अब हम 6 लिखेंगे, अब देखिए x है ना, x की जगह वैल्यू रखेंगे 3/2 और उस पर पावर कांस्टेंट ना है तो कांस्टेंट बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा 6 देखिए कांस्टेंट था, लिख दिए x जहां था वहां था 3/2, तो वेरिएबल बदलता है तो जहां x था वहां पुट कर दिए 3/2। देखिए पावर 2 कांस्टेंट है ना, ध्यान दीजिए इसमें कांस्टेंट कौन है, 6 2 यहां पे 12, तो जो जो कांस्टेंट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर माइनस x, x कितना है 3/2 है, माइनस 12 = 0 हुआ और x इंटू 9/4 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 माइनस 12 = 0। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं ना आपको, अब बढ़िया यहां से आगे फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 9/2 क्या क्या, तो 2 से डिवाइड कर दियो ऊपर नीचे, माइनस 3/2 माइनस 12 = 0। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसको लिख के, अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। चलिए देखिए, और 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12 = 0। अब बोलिए 2 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा, तो यहां हो गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 1 टाइम में, तो 1 टाइम 1 से 27 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 ही होगा। फिर इस 2 से डिवाइड करना है इसको, जैसे आप डिवाइड कीजिएगा आपको 1 मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा, फिर 1 से डिवाइड कीजिएगा 2 को तो 2 मिलेगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा = 0। अब बढ़िया यहां से आगे तो 27 - 27/2 = 0 और 0 = 0। यानी हम क्या देखें कि जब हम x का वैल्यू 3/2 इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है। फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि आप केवल चेंजिंग वेरिएबल में कीजिएगा और कहीं नहीं। तो देखिए 6 था तो 6 लिखे, जहां x है वहां हम लिखेंगे 3/2, पावर देखिए 2 था तो 2 रहने दिए, फिर माइनस है तो माइनस दिए, जहां वेरिएबल था वहां केवल 3/2 रखना है, उसके बाद हम आपके सामने कैलकुलेशन करके आपको दिखाएं। तो ये सवाल था आपका है, लेकिन अब इसमें 2 है, एक तो हम 3/2 रखें, अब हम क्या पुट करेंगे इसमें, तो -4/3। ठीक है, अब लोग कीजिए आप, चलिए हम समझ आगे बढ़िए। तो यहां होगा x = -4/3। अब जैसे ही हम -4/3 रखेंगे तो ध्यान रखिएगा वो वैल्यू है किसका, x का ना, -4/3 किसका वैल्यू है, तो x का, यानी समीकरण में जहां जहां x है वहां उस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए तो हो जाएगा और 6 - 4/3 2 - 12 = 0। फिर आगे बढ़ाइए इसको 6, यहां देखिए माइनस का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो सभी को पता है कि यदि माइनस पे पावर सम संख्या हो यानी इवन नंबर पावर में हो तो वो प्लस होता है, ऑड नंबर होगा तो माइनस होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ 4 4 = 16 हो जाएगा और 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 4/3 - 12 = 0। अब देखिए यहाँ 3 से डिवाइड होगा दोनों तो कट कर दीजिए तो 2 × 16/3 प्लस 4/3 - 12 = 0। अब क्या करेंगे हम इसको रिसॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, तो और होगा और 32/3 + 4/3 - 12/1 = 0। फिर हम 3 3 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, डिवाइड कीजिए 32 + 4 - 36 = 0। अब देखिए 32 और प्लस 4 कीजिएगा तो कितना होगा 36 ना, तो ये हो गया 36 - 36/3 = 0, यानी 0/3 क्या होगा 0, यानी 0 = 0। तो क्या देखते हैं कि यहां पर देखिए चूंकि x बराबर पहले कितना था, x का वैल्यू क्या था पहला 3/2,
एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू एवं माइनस फोर बाय थ्री द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाई करता है। इसीलिए एक्स बराबर थ्री बाय टू एवं माइनस फोर बाय थ्री द्विघात समीकरण के हल है, यानी ये हल है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हल नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर संतुष्ट किया तो हल है और नहीं करता तो नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम था, अब हम आपको और भी दिखाते हैं। सवाल क्या है देख लीजिए, ज्ञात करें कि x बराबर रूट थ्री एवं x बराबर माइनस टू रूट थ्री समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो के हल है या नहीं। ठीक है, यही आपको चेक करना है कि एक्स बराबर रूट थ्री और एक्स बराबर माइनस टू रूट थ्री दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। अब आप फिर सोचिए, दिया गया जो मान है यानी जो वैल्यू है x का, वह समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी आपको कैसे होगी? तो क्या कीजिएगा इसके लिए, आप हम इसके लिए क्या करते हैं, तो इस वेरिएबल के वैल्यू को यानी x के मान को, पहला मान को यानी एक एक बारी बारी से, तो x के पहले वैल्यू को हम समीकरण में रखेंगे और अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम मानेंगे कि है और नहीं हुआ तो नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए, तो पुट x इक्वल टू रूट थ्री, इक्वेशन है कितना, x स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और रूट थ्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां वेरिएबल था हम वही वैल्यू रखे, देखिए x था तो x जगह रूट थ्री रखे, पावर टू था, देखिए कॉन्स्टेंट होते हैं, फिर माइनस थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब बताइए रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा यानी बचेगा कितना, तीन, तो ये हो गया थ्री, फिर माइनस तीन, यहां देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना, थ्री ना, और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और सॉल्व कीजिए इसको, और थ्री सिक्स कितना नाइन, और यहाँ थ्री थ्री जा नाइन इक्वल टू जीरो, यानी मेरा क्या होगा जीरो बराबर जीरो, यानी हम क्या देखे कि LHS RHS के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू रखिएगा आपको ध्यान रखना है कि वह वैल्यू केवल x का स्थान ले, यानी वेरिएबल का जगह ले, अगर x है तो x का जगह ले, y हो तो y का जगह ले, ये नहीं कि रखिएगा x का बदल दीजिएगा किसी और को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आइए दूसरा वैल्यू देखते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस टू रूट थ्री, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, बताइए कहाँ का बदलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बदलिए इसको, यानी और माइनस टू रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस टू रूट थ्री को जब आप टू टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दो दूनी चार, और रूट तीन इंटू रूट तीन कितना होगा, तीन ना, यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका इसका वो कितना होगा, तो बारह होगा, नहीं तो लिखेंगे हम बारह। फिर आइए ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो तीन दूनी छ और रूट तीन कितना हो जाएगा, तो तीन होगा, और फिर यहाँ प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और ट्वेल्व प्लस एटीन
प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 18 18 36 हो जाएगा बराबर 0। चलिए एक बार फिर दिखाते हैं आपको कि x का मान है रूट थ्री, x का वैल्यू है माइनस 2/√3। आपसे पूछता है कि यह समीकरण का हल है या नहीं है। हम इक्वेशन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x की जगह जहां x की जगह पे क्या रखेंगे तो रूट थ्री, देखिए x स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, माइनस 3√3x तो यानी माइनस 3√3 इंटू 3√3 प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट थ्री का स्क्वायर रूट खत्म तो 3, यहाँ रूट रूट थ्री खत्म तो 3 और 6, तो देखिए 6 और 3 मिला के 9 हो गया ना, और यहाँ 3 से तो मल्टीप्लाई किया तो 3 दिया ही 9। अब 9 में 9 खत्म हो गया तो 0, यानी ये आपका सेटिस्फाई है, मतलब संतुष्ट है। अब आइए आगे, जब हम माइनस 2√3 रखते हैं, देखिए तो माइनस 2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू माइनस 2√3 प्लस 6। अब देखिए माइनस 2√3 का होल स्क्वायर मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और दो दो नीचे 3√3 ना, तो 4 3 12 हो गया। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम कि जैसे हम मल्टीप्लाई किए इसको तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और देखिए 3 2 6 √3 √3 3 हो गया प्लस 6, तो ये 6 ये 18। फिर देखिए यहाँ से जोड़ के 36। हम क्या देखते हैं इसमें लास्ट में कि मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसमें हमें यही दिखता है कि LHS RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वैल्यू इस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यह वैल्यू इस समीकरण का सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर रूट थ्री दिए गए द्विघात समीकरण का हल है, लेकिन x बराबर माइनस 2√3 दिए गए द्विघात समीकरण का हल नहीं है। यानी x इक्वल टू रूट थ्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट x इक्वल टू माइनस 2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमको लिखना है, आइए लिखते हैं। लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर रूट थ्री द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए x बराबर रूट थ्री द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। ठीक है, फिर देखिए चूंकि x बराबर माइनस 2√3 द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए x बराबर माइनस 2√3 द्विघात समीकरण का हल नहीं है। यानी कि आपको इस तरह से सजाना है सब चीज। ठीक है, अब आइए कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं हम लोग। देखिए तो प्रॉब्लम है क्या, सो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम है कि के किस मान के लिए, देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। सवाल है के किस मान के लिए x इक्वल्स टू 2/3 एक्स इक्वल टू 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का एक हल है। यानी फिर से सवाल दोहरा देते हैं, हम लोग देखिएगा ध्यान से। सवाल है कि के किस मान के लिए x इक्वल्स टू टू बाय थ्री समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का एक हल है। यानी यहां पर आपको जांच नहीं करना है, यानी आपको चेक नहीं करना है कि यह हल है या नहीं है। यहां आपसे ऑलरेडी कहा जा रहा है कि यह द्विघात समीकरण का हल है। यानी आपको इसमें क्या करना है कि द्विघात समीकरण का हल मान के, यानी आपको LHS RHS को x के उस वैल्यू पर इक्वल करके k का वैल्यू निकालना। ध्यान दीजिए, हम फिर से बताते हैं आपको। इस प्रॉब्लम में आपको यह नहीं चेक करना है x बराबर टू बाई थ्री उस समीकरण का हल है या नहीं, बल्कि इसमें आपको कहा जा रहा है कि हल है। चेक नहीं करना आपको, हल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल्स टू टू बाय थ्री पर समीकरण का LHS और RHS आपस में इक्वल होगा, और इसी स्टेटमेंट का यूज करके आपको यह बताना है कि k का वैल्यू क्या है। चलिए, तो जो समझा वो बताते क्या करना, ध्यान सुनिएगा। हमें कहा जा रहा है कि kx स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का सॉल्यूशन है कौन सा, तो 2 बाय 3 तो हम इसमें रखेंगे, रखिए k इंटू टू बाय थ्री होल स्क्वायर माइनस यहां पे 2 बाय 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। और देखिए यहां अब आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान से 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 बाय 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या कीजिएगा, 4k by 9 माइनस 2 by 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। देखिए क्या किया, ध्यान सुनिएगा। हम समीकरण को लेके चले, k का जो x का जो वैल्यू था यानी 2 by 3 वो x की जगह पे रख दिए, यानी जहां x था वहां पर रखे 2 by 3 होल स्क्वायर माइनस 2 by 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हो गया k, ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 by 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो 4k by 9 माइनस 2 by 3 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे किसका, x का। तो k वाले टर्म में इधर रहने दीजिए, तो 4k by 9 बाकी सब उधर ट्रांसफर कीजिए, तो होगा 2 by 3 प्लस 2, ठीक है। और 4k by 9 इज इक्वल टू LCM 3 2 प्लस 6, और 4k by 9 इज इक्वल टू 8 बाय 3। अब क्या करेंगे, हम जब k का वैल्यू निकालेंगे तो जो इधर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिए। तो देखिए आपका हो गया 8 बाय 3, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड, ठीक है। अब काटिए, देखिए 41 इज 4, 42 इज 8, 33 इज 9, तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 2 * 3, यानी k का वैल्यू क्या हुआ 6। गौर कीजिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि यदि इस समीकरण यानी जो हमको दिया गया है kx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, इस समीकरण का इस समीकरण का x बराबर 2 बाय 3 हल होगा कब, जब हम k का मान कितना रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो यही एक प्रॉब्लम था, और ऐसा ही सवाल है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स में आपको शो करना होगा कि वह उसका सॉल्यूशन या फिर रूट्स है या नहीं है। और कुछ में आपको क्या करना होगा कि ये देखना बताना होगा आपको कि सॉल्यूशन है तो वैल्यू क्या होगा। कुछ प्रॉब्लम हम आपको एक प्रॉब्लम और बताते हैं, देखिए। तो देखिए हम आपको अब जो प्रॉब्लम बताने वाले वो कैसा ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
देखिए सवाल क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सवाल है के का मान ज्ञात करें, ठीक है, के का मान ज्ञात करें यदि एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाय टू, एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू द्विघात समीकरण 6x² प्लस के एक्स माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो का हल है। ध्यान दीजिएगा इसमें आपसे यही कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है आपका कितना, तो 6x² प्लस के एक्स माइनस रूट सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण है और कहता आपको इसका जो मूल है यानी रूट जो है यानी हल जो है वह क्या है, तो माइनस रूट थ्री बाय टू है, ठीक है, तब आपको k का वैल्यू याद करना है। अब गौर कीजिएगा कि यदि x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाय टू दिए गए द्विघात समीकरण का हल है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन है मेरा 6x² प्लस के एक्स माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। आप मतलब पॉइंट क्या बोलता है, एक्स का वैल्यू जो है वह माइनस रूट थ्री बाय टू इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। आइए पुट करते हैं, 6 माइनस रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर प्लस के माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। आप बढ़िया के 6 इंटू देखिए माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट थ्री कीजिएगा कितना होगा 3 होगा और यहाँ 4 हो जाएगा आपका, फिर माइनस के रूट थ्री बाय टू माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। अब आइए गौर कीजिएगा, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो कीजिए 3 इंटू 3 बाय टू माइनस के रूट थ्री बाय टू माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और इस k को हम इधर ले आते हैं तो माइनस इधर क्या जाएगा प्लस, यानी इधर बचेगा 9 बाय टू माइनस रूट सिक्स इक्वल टू के रूट थ्री बाय टू। इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी रूट थ्री बाय टू इंटू के इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लीजिए 9 माइनस टू रूट सिक्स और के इधर यहां से देखिए दोनों का डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 माइनस टू रूट सिक्स बाय टू इंटू टू बाय रूट थ्री, ठीक है। अब बढ़ाइए आगे तो k टू टू कैंसिल तो 9 माइनस टू रूट सिक्स बाय रूट थ्री, ये हो गया मेरा k का वैल्यू। आइए हम फिर से आपको समझाते हैं, इस इक्वेशन में आपसे कहा जा रहा है कि माइनस रूट थ्री बाय टू जो है वह इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होगा, जब x के इस वैल्यू पर उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो 6 माइनस रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर प्लस के माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो, 6 इंटू थ्री बाय फोर माइनस के रूट थ्री बाय टू और यहाँ रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। फिर क्या किया हम कि ये जो k को था ना एक साइड कर लिए, इससे सॉल्व करके यहां तक ले आए, ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आपको याद होगा हम सभी लोग जानते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में यानी हर में कभी भी हर में हम अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, तो इसका क्या करते हैं हम परिमेयकरण कर देते हैं यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो जैसे इसको रेशनलाइज कीजिएगा आपको रूट थ्री से क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए कर देते हैं इसको, इसी से मेरा के का क्या हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो चलिए देखिए क्या होगा अब, तो बढ़ाइए इसको तो यहां से हो जाएगा आपका 9 माइनस टू रूट सिक्स बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय रूट थ्री। बढ़ाइए आगे 9 रूट थ्री माइनस टू रूट अंडर 18 होगा ना, ध्यान दीजिए समझिए फिर से 9 इंटू रूट थ्री 9 रूट थ्री माइनस टू तो टू और रूट के अंदर का चीज रूट में गुना होता है तो रूट डाल दिया, देखिए 6 3 18 और नीचे भी वही करिएगा तो क्या होगा आपका 3 इंटू 3। फिर आगे लीजिए 9 रूट थ्री माइनस टू
इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, और नीचे देखिए 2 का पेयर हो गया, नहीं जोड़ा हो गया तो बाहर निकाल दिए इसको, तो 3, अब देखिए 3√3, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे आपका 9√3 -2 × √3 पेयर हो गया, बाहर आ जाएगा बाय कितना 3। अब आप दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, फिर देखिए आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो भाई यहां से आगे 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 9 से अगर 3 निकालिएगा तो बचेगा 3 और √3, फिर यहाँ पे माइनस 3 निकल गया तो क्या बचा 2√2/3, 3 कैंसिल कर दीजिए, इससे k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3√3 − 2√2, तो ये k का वैल्यू है। अब एक प्रॉब्लम और, ठीक है, जिसमें हम दो चीज का वैल्यू निकालते हैं, चलिए एक सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा वो कैसा है, पहले सवाल समझिए फिर प्रॉब्लम तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिएगा सवाल है आपका कि ax² -13x + b = 0 के मूल x = 3/2 और x = 2/3 है, तो a एवं b का मान ज्ञात करें। ध्यान से सवाल फिर से देख लीजिए, सवाल है आपका ax² - 13x + b = 0 के मूल x = 3/2 और x = 2/3, तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है, यही हमको बनाना है। तो देखिए हम लेके चलते हैं, तो बाकी चीज थोड़ा बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम बढ़ते हैं आगे, ये हम सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन। तो क्या बोले हम कि यदि कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यानी संतुष्ट करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है ना उस पॉइंट पे LHS और RHS क्या होगा आपस में इक्वल, तो कीजिए देखिए यहां ये हो गया और a 3/2 whole square - 13 3/2 + b = 0 और a 9/4 - 39/2 + b = 0, इसको और सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना 4 ना, तो यहां 9 है और यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो कीजिए 9 × 18 बाकी 1 × 3 = 7 और फिर प्लस यहां 4 से, तो 4b = 0, ये सारा खत्म हो जाएगा जाके, तो आपके पास बचेगा 9a + 4b - 78 = 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं और 9a + 4b = 78, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, यानी जो हमको मिला उसका हम नाम क्या रख दिया इक्वेशन 1। अब आइए हम x का दूसरा वैल्यू चेक करते हैं जो कितना है, तो 2/3। चलिए देखते हैं फिर से ax² - 13x + b = 0, हमें x का वैल्यू कितना रखना है, तो 2/3 रखना है, फिर -13 2/3 + b = 0 और 4a/9 - 26/3 + b = 0 और 9 यहां हो गया 4a, डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से, तो देखिए 6 × 3 = 18 बाकी 1 × 3 × 6 = 7 78 भी इसका भी हुआ और प्लस 9b = 0 फिर दे दीजिए, तो और 4a
प्लस 9b माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 78, ये हो गया मेरा दूसरा। तो गौर कीजिए, एक इक्वेशन यहां मिला आपको ए बी में, एक इक्वेशन यहां मिला ए बी में, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से, तुलनात्मक विधि से, विलोपन विधि से या वर्गमूल विधि से, किसी विधि से अगर हल कीजिएगा तो यहां से आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। वहां एक्स वाई होता था, यहाँ ए बी है, तो यही करना आपको कि जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को रख के सॉल्व करना है, और एक कंडीशन या फिर वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल रहता तो मान निकल जाता मेरा, यानी एक वैल्यू या फिर एक शर्त, यानी एक रिलेशन आपको मिलेगा दोनों में। और फिर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये काम हम आपके भरोसे छोड़ते हैं, नहीं तो फिर हम कल के क्लास में आपको ये बताएंगे। और आज इतना ही, देखते हैं आप में से कौन कौन इसको सॉल्व करते हैं, जो जो कर लीजिएगा वो हमको इसका आंसर जो है ना सेंड कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग।